नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास एक गाड़ी ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमनाथ पांडे को टक्कर मार दी। गंभीर हालत के चलते अधिवक्ता को लखनऊ रेफर किया गया है। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमेठी में मोहनगंज के ग्राम पूरे कटरियान में चोरों ने 75,000 की नकदी समेत 5,00,000 के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेठी में मोहनगंज कोतवाली के पाकर गांव में कुछ दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए एक महिला के घर पर धावा बोल दिया। फिलहाल महिला ने दबंगों पर जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा के न्याय की मांग की है। अमेठी के थाना पीपरपुर पुलिस ने रविश कुमार मिश्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। रविश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसे दुर्गापुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अमेठी के थाना गौरीगंज में मौजूद चतुरीपुर गांव में आबकारी टीम ने दबिश दी। इस दौरान 16 लीटर अवैध कच्ची शराब और 300 किलो लहन को नष्ट किया गया। बहराइच में जरवल कस्बा की चेयरमैन तस्लीम बानो के पति इंतजार अहमद उर्फ मिथुन पर बकाया पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस से जल्द कार्यवाही कर न्याय की गुहार लगाई है। बाराबंकी में फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलहरा मार्ग पर बनी शारदा नहर में 16 साल की नाबालिग का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त करके कार्यवाही शुरू कर दी है। बलरामपुर में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर के महज 1,122 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि जिले में फर्जी तरीके से 1,310 क्लिनिक और मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं, जिन पर कार्यवाही के लिए सीएमओ ने कमर कस ली है। सिद्धार्थनगर की त्रिलोकपुर पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगाया जा रहा है। बामदेही के रहने वाले राजू चौहान नाम के शख्स का कहना है कि कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि लोगों से इंजेक्शन देने के नाम पर 50 रुपए से 250 रुपए तक यहां वसूले जा रहे हैं। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक युवक ने शादी के घर में जाकर दुल्हन को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की खोजबीन शुरू कर दी है। कन्नौज में तिरवा तहसील के लेखपाल विवेक पाल को एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। गढ़ीपुरवा के रामकुमार नाम के शख्स की शिकायत पर ये कार्यवाही की गई है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबरें पसंद आई होंगी। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर हमारी इन खबरों से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।